गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन प्रीवियस लेसन वी आर स्टडीड ग्राफिकल मेथड एंड जनरल टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? नाउ जनरल टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। दिस वन इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल टर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2 बिलोंग्स टू आर एनी रियल नंबर। क्लियर स्टूडेंट? एंड x एंड y आर वेरिएबल्स। नाउ टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट पेयर। इट हैज आइदर ए यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इट हैज आइदर ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन माने वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, देन इट्स कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर, इट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल। क्लियर? नाउ डिपेंडेंट पेयर, इट हैज इनफाइनाइटली डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। लुक एट हियर द टेबल, पेयर ऑफ इक्वेशन। ये एग्जाम्पल गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, a1 by a2, द कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड a1 एंड कोफिशियंट ऑफ x इन सेकेंड टर्म इज कॉल्ड a2। क्लियर? नाउ a1 by a2 इज इक्वल्स टू 2 by 4, b1 by b2, कोफिशियंट ऑफ y इन फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड b1, कोफिशियंट ऑफ y इन सेकेंड टर्म इज कॉल्ड b2, 3 by 1। क्लियर स्टूडेंट? नाउ कॉन्स्टेंट टर्म -5 एंड -2 इज कॉल्ड c1 एंड c2, -5 by -2 इज कॉल्ड c1 by c2। क्लियर? a1 by a2 इज इक्वल्स टू 1 by 2, b1 by b2 इज इक्वल्स टू 3 by 1, एंड c1 by c2 इज इक्वल्स टू -, साइन कैंसल, देन 5 by 2। लुक एट हियर, a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। दिस वन इज कंपेरिजन ऑफ रेशियो। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट मीन्स दे हैव वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। सो इन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू माइनस 12। क्लियर स्टूडेंट? नाउ इन सेकेंड लीनियर इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, सो a2 इज इक्वल्स टू 4, b2 इज इक्वल्स टू 6 एंड c2 इज इक्वल्स टू माइनस 24। लुक एट हियर, a1 by a2 2 by 4, दैट मीन्स 1 by 2, b1 by b2 3 by 6, दैट मीन्स 1 by 2, एंड c1 by c2 माइनस 12 by 24, माइनस साइन कैंसल, 12 to 24, that's why 1 by 2. वी हैव ऑल द वैल्यूज आर सेम, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2, सो द बोथ लाइन्स आर कंसिस्टेंट लाइन, ओवरलैपिंग लाइन, ऑल्सो वी कॉल ऑल्सो ओवरलैपिंग लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड एग्जाम्पल इज 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 9y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इन फर्स्ट इक्वेशन a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 3 एंड कॉन्स्टेंट टर्म c1 इक्वल्स टू -6।
In second equation, a2 is equals to 6, b2 is equals to 9, and c2 is equals to minus 10. So ratio is a1 by a2, 2 by 6 is equals to 1 by 3. Second ratio, b1 by b2, 3 by 9 is equals to 1 by 3. And third ratio, c1 by c2, minus 6 by 12, minus 6 by 10. That means minus minus sign cancel, then 3 by 5. Look at here. A1 by A2 is equals to B1 by B2, but not is equals to C1 by C2. That's why the line of equation, the graph of the linear equation is parallel line. The graph of the linear equation is parallel line. So they have no solution. Clear, student? Properly this table read and carefully and remember all the values. Which type, when we draw the graph, the pair of linear equation, how it is? It intersecting line, coincident line, or parallel line. Clear, student? Okay. Om Namah Shivaya. Thank you.